पेट्रोल डीजल और रसोई गैस की कीमतों में बढ़ोतरी और महंगाई के खिलाफ देशव्यापी विरोध कार्यक्रम के तहत कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा राज्य भर में पेट्रोल पंप के समक्ष हस्ताक्षर अभियान चलाया गया। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सह वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव पेट्रोलियम पदार्थों और आवश्यक वस्तुओं की कीमत में वृद्धि के खिलाफ प्रदर्शन में खुद सड़क पर उतरे। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने राजधानी रांची के बरियातू रोड पेट्रोल पंप के समक्ष हस्ताक्षर अभियान में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि केंद्र की भाजपा सरकार भले ही सत्ता के मद में चूर है, लेकिन जनता अब छोड़ेगी नहीं। सत्ता के नशे में चूर केंद्र सरकार महंगाई पर अंकुश के लिए कोई कदम नहीं उठा रही है। हम केंद्र सरकार को ये बताना चाहेंगे इस अभियान के द्वारा कि आप जो रोज पेट्रोल डीजल गैसेस के दाम बढ़ा रहे हैं और जनरल प्राइसेस पे रोज बढ़ रहे हैं, चावल का हो, दाल का हो, चावल का हो, सरसों तेल का हो, रोज बढ़ रहा है, आज परसों कल कुछ हो जा रहा है, इससे लोगों को दिक्कतें हो रही हैं। जरूरत है राहत दिलाने की, तो केंद्र सरकार से हम अनुरोध कर रहे हैं अपना विरोध के साथ साथ कि राहत दें यहाँ की जनता को, देश की जनता को, झारखंड की जनता को। अभी तो हम पेट्रोल पंप पे हैं, हम लोग सभी यहाँ हस्ताक्षर लोगों से करा रहे हैं, यह बताते हुए कि आप इसका प्रोटेस्ट करते हैं या नहीं। लोग सब कह रहे हैं कि प्रोटेस्ट करते हैं, ये हाइक जो है हाइक का हद होता चला जा रहा है। कल था 100 रुपये, आज 101 रुपया हो गया, कितना बढ़ के चला जाएगा। लोग कल्पना करते थे क्या कभी 100 रुपये भी पेट्रोल डीजल का दाम होगा, ये कल्पना के परे था लोग, लेकिन आज केंद्र सरकार उस कल्पना को भी तोड़ दी और ज़्यादा सही साबित कर दी कि लोगों का जो कल्पना था पूरा हो रहा है। वहीं कृषि मंत्री बादल ने किसानों के हित को ध्यान में रखते हुए डीजल की कीमत में कमी करने और सब्सिडी देने की मांग की। सेना की दीवारों तक आज का हस्ताक्षर अभियान की आवाज जाएगी और जिस तरह से कच्चे तेल का दाम मोबाइल में भी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गिरा है, हम उम्मीद करते हैं कि यहाँ की जनता को उसका लाभ मिलना चाहिए। अभी जिस दौर से या देश या राज्य या समाज चल रहा है, रेवेन्यू जरूरी है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि जो लोगों की दिन रोज की रोजमर्रा जिंदगी को प्रभावित करे, एग्रीकल्चर सेक्टर को प्रभावित करे, उसी वजह सभी चीज़ों का डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप से महंगाई पर यदि असर है तो वो पेट्रोल डीजल की कीमत है। और जब सभी चीज़ें एक सामान है जो 5 साल पहले हुआ करती थी आज भी है, जब कच्चे तेलों के दाम में कमी हुआ, जब मटेरियल के दाम में कमी हुआ, तो निश्चित रूप से उसके जो प्रोड्यूस हैं उसके भी दाम में कमी आनी चाहिए। आज का यह हस्ताक्षर अभियान का संदेश दूर तक जाएगा, मदहोश बादशाह उम्मीद करते हैं कि जागने का काम करेंगे। सबसे ज्यादा जो समझने वाली मुख्य बात है कि हम सब्सिडाइज करते थे, सरकार कहा ना कि 125 डॉलर प्रति बैरल था, तब हम 65 रुपया रखे थे दाम, और आज 65 रुपये प्रति बैरल 65 डॉलर प्रति बैरल है, तो आज 100 के पार है। क्यों है ये? हम दाम बढ़ता था तो सब्सिडाइज करते, हम सरकार अपने खजाने से पैसा डाल के लोगों को राहत देती। आज 25 लाख करोड़ जो इसका एक्साइज ड्यूटी है उससे कमाया है सरकार ने, 25 लाख करोड़, कैन यू बिलीव। और ये बर्डन किसका है? पैसा तो जिसके हाथ में, कोरोना के राज में आज सब हाथ खाली है, सब पॉकेट खाली है, और महंगाई चरम सीमा पे, कहाँ लोगों के हाथ में पैसा देना चाहिए था जिससे वो जीवन सुरक्षित रखे। 25 लाख करोड़ कमाया है, और 25 लाख करोड़ आप समझते हैं कि कभी भी देश की आज़ादी के बाद पैसे से इतना, जनता से इतना टैक्स नहीं कोई सरकार कमाई। लोग चीख चीख कर महंगाई कम करने की मांग कर रहे हैं। पेट्रोल डीजल की कीमत में वृद्धि होने से महंगाई बढ़ जाती है, इसका असर चावल, दाल, आटा, नमक और तेल समेत सभी आवश्यक वस्तुओं पर पड़ता है।
लोगों की आमदनी घट रही है लेकिन महंगाई बढ़ने से सभी त्रस्त हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए रांची से आशुतोष की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।